हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट पिनव्हील, जिसके लिए हमें बाहर से कुछ भी नहीं लाना। जो भी घर पर है आप उस सामान से ही इसे बना सकते हैं। देखिए कितने यमी लग रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम एक कप दही लेंगे, उसमें 1 से 1.5 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं या फिर बटर भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच शुगर डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1 कप व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा मिलाएंगे। और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसको मिलाएंगे। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी यूज कर सकते हैं, दूध कंप्लीटली ऑप्शनल है। पानी तब तक मिलाना है जब तक कि ये थोड़ा पतला पेस्ट ना बन जाए। देखिए ये अभी भी गाढ़ा है, मैं इसमें और थोड़ा पानी मिलाऊंगी। अब मैं इसको 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए हमारा बैटर एकदम रेडी है। अब इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिलाएंगे और 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर रखना नहीं है, इसको तुरंत ही पैन में शिफ्ट कर देना है। गैस की फ्लेम को एकदम लो पर रखना है। अब हम पैन को ग्रीस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, एकदम थोड़ा सा ऑयल लगाना है। फिर हम इस बैटर को पैन में शिफ्ट कर देंगे। और इसको पैन में अच्छे से फैला देंगे जिससे कि बैटर इवनली स्प्रेड हो जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे। हम इसको चेक करेंगे। आप फोक से या टूथपिक से इसको चेक कर सकते हैं। ये अच्छे से कुक हो गया है, मैं इसको निकाल लूंगी। इसको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो नीचे का सरफेस हार्ड हो जाएगा और ये रोल करते हुए टूटेगा। यहाँ पर मैंने एक क्लॉथ लिया है, इसमें मैं पिनव्हील बेस को निकाल लूँगी और गरम गरम ही इसको रोल कर दूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी।
अब ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें चॉकलेट स्प्रेड लगाऊंगी। आप चाहें तो न्यूटेला कोको स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ चॉकलेट स्प्रेड का यूज़ कर रही हूँ। इसको रोल करके मैं फॉइल पेपर पे शिफ्ट कर दूंगी और उसको बंद करके मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी, जिससे कि चॉकलेट स्प्रेड अच्छे से सेट हो जाएगा। चलिए अब इसको खोलकर देखते हैं। चॉकलेट अच्छे से सेट हो गया है, ये देखिए। चलिए अब इसको काट कर भी देख लेते हैं। ये देखिए, तैयार है हमारे चॉकलेट पिनव्हील्स। तो इसे घर पर बनाइए और सबको खिलाइए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इस रेसिपी को लाइक करिए। ऐसे ही यमी और इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।